नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना, जो हमारी कक्षा 10 की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, संस्कृत स्पंदना, इस पुस्तक के प्रथम पाठ जय सुर भारती का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो पाठ है ये पद्य विधा का है, यानी कि श्लोक विधा का है। तो इसका मतलब है, इस पाठ में से हमें दो तरीके के प्रश्न बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। एक तो इस तरह से कि वही हमें इस पाठ में से कोई एक श्लोक दे दे, कोई एक पद्य दे दे और हमसे सह प्रसंग हिंदी व्याख्या करवाए। यदि वो इस तरह से हमें प्रश्न देता है तो ये जो प्रश्न है ये हमारा बोर्ड पेपर में 5 नंबर का प्रश्न है। और मान लीजिए प्रश्न इस तरह से दे कि इस पाठ में से कोई एक श्लोक दे दे, एक कोई पद्य दे दे और हमसे कहे कि इस पद्य का या इस श्लोक का संस्कृत में सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो ये प्रश्न हमारा 4 नंबर का बनता है बोर्ड पेपर में। तो आप सभी इस पाठ का हिंदी अनुवाद बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस पाठ में से हमें 2 तरीके के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, या तो हिंदी व्याख्या का या फिर संस्कृत व्याख्या का। तो प्रारंभ करते हैं हमारा प्रथम पाठ जय सुर भारती। जय जय माने जय हो, हे माने हे, भगवती माने भगवती, सुर भारती माने सुर भारती। हे भगवती सुर भारती, तुम्हारी जय हो। तब माने तुम्हारे, चरणों माने चरणों में, प्रणामा में माने प्रणाम करते हैं। हे भगवती सुर भारती, तुम्हारी हमेशा जय हो, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय माने जय हो, हे माने हे, भगवती माने भगवती, सुर भारती माने सुर भारती। हे भगवती सुर भारती, तुम्हारी जय हो। तब माने तुम्हारे, चरणों माने चरणों में, प्रणामा में माने प्रणाम करते हैं, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी माने हे शब्द ब्रह्म से युक्त, हे शब्द ब्रह्म से युक्त, बागीश्वरी माने वाणी की देवी, माँ सरस्वती, जय माने तुम्हारी जय हो। शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो। ते माने तुम्हारी, शरणम माने शरण में, गच्छा में माने जाते हैं, हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। हे भगवती सर्वार्थी, तुम्हारी जय हो, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी, माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो। ते माने तुम्हारी, शरणम माने शरण में, गच्छा में माने जाते हैं। भगवती सुर भारती माने हे भगवती सुर भारती, जय जय माने तुम्हारी जय हो। हे भगवती सुर भारती, तुम्हारी जय हो। तब माने तुम्हारे, चरणों माने चरणों में, प्रणामा में माने प्रणाम करते हैं, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी माने हे शब्द ब्रह्म से युक्त बागीश्वरी माने वाणी की देवी, जय माने तुम्हारी जय हो। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी, तुम्हारी जय हो। ते माने तुम्हारी, शरणम माने शरण में, गच्छा में माने जाते हैं, हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। स्वर माने देवताओं, मुनि माने मुनियों के द्वारा, वंदित चरणा माने वंदना की जाने वाली, चरणों वाली, अर्थात मुनियों और देव, जो मुनि और जो देवता हैं वो हमेशा आपके क्या करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। मुनियों और देवताओं के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली माँ सरस्वती, तुम माने तुम, शरण्या माने शरण देने वाली हो, तुम कैसी हो, शरण देने वाली हो। और त्रिभुवन माने तीनों लोकों में, धन्य माने धन्य, असी माने हो, और तीनों लोकों में धन्य हो। मुनियों, देवताओं और मुनियों के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली हे माँ सरस्वती, तुम माने तुम, शरण्य माने शरण देने वाली हो, और त्रिभुवन माने तीनों लोकों में, धन्य माने धन्य हो, और तीनों लोकों में धन्य हो। नवरस माने 9 रसों में, मधुरा माने मधुर हो, 9 रसों में मधुर हो। कविता माने कविता रूपी, मुखरा माने मुख से स्पष्ट होने वाली हो, कविता रूपी मुख से स्पष्ट होने वाली हो। स्मित रुचि रुचि आवरणा, स्मित माने मंद मंद, रुचि माने, स्मित रुचि माने मंद मंद मुस्कान से युक्त, रुचि आवरणा माने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त हेमा सरस्वती, आप 9 रसों में मधुर रस से युक्त हो और कविता रूपी मुख से स्पष्ट होने वाली हो। स्मित रुचि माने मंद मंद मुस्कान से युक्त, स्मित यानी कि मंद मंद मुस्कान से युक्त, और रुचि रुचि आवरणा
अर्थात विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषणों से युक्त हे माँ सरस्वती, आप नौ रसों में मधुर रस हो और कविता रूपी मुख से स्पष्ट होने वाली हो या व्यक्त होने वाली हो। देवताओं और मुनियों के द्वारा हमेशा चरण वंदना की जाने वाली हे माँ सरस्वती, आप शरण देने वाली हो और तीनों भवनों में धन्य हो या तीनों लोकों में धन्य हो। मंद मंद मुस्कान से युक्त और विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषणों से युक्त हे माँ सरस्वती, आप नौ रसों में मधुर रस से युक्त हो और कविता रूपी मुख से स्पष्ट होने वाली हो या व्यक्त होने वाली हो। ठीक है, हमारा अगला श्लोक जो है उसे पढ़ते हैं। कुंद माने चमेली, तुहिन माने बर्फ। कुंद माने चमेली, तुहिन माने बर्फ और शशि माने चंद्रमा के समान। धवले माने सफेद, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद। हे माँ सरस्वती, आप मानस हंसे माने मानसरोवर रूपी हंस पर आसीना माने आसीन भव माने हो जाओ। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद, हे माँ सरस्वती, आप मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। एक तो ये अर्थ है इस लाइन का, और दूसरा क्या है, कुंद माने चमेली, तुहिन माने बर्फ और शशि माने चंद्रमा के समान धवले माने सफेद। हे माँ सरस्वती, मानस हंसे माने आप मेरे मन रूपी हंस पर, मानस माने मन रूपी, हंसे माने हंस पर आसीना भव माने आसीन हो जाओ। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद, हे माँ सरस्वती, आप मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। एक तो ये हो गया इस लाइन का अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या है कि चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद, हे माँ सरस्वती, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सित पंकज तनु बिमले, सित माने सफेद, पंकज माने कमल के समान, बिमले माने कोमल, तनु माने शरीर वाली, सफेद कमल के समान कोमल शरीर वाली। हे माँ सरस्वती, जड़ताम माने मूर्खता को हर माने दूर करके, मेरी मूर्खता को दूर करके आप बौद्धि माने बुद्धि का विकासम माने विकास करू माने करो, आप मेरी बुद्धि का विकास करो। सफेद कमल के समान कोमल शरीर वाली हे माँ सरस्वती, आप मेरी मूर्खता को दूर करके मेरी बुद्धि का विकास करो। सित माने सफेद, पंकज माने कमल के समान, बिमले माने कोमल, तनु माने शरीर वाली, सफेद कमल के समान कोमल शरीर वाली हे माँ सरस्वती, आप जड़ता माने मूर्खता को हर माने दूर करके, मेरी मूर्खता को दूर करके बौद्धि माने बुद्धि का विकास माने विकास कुरु माने करो, आप मेरी बुद्धि का विकास करो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद, हे माँ सरस्वती, आप मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, या फिर आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सफेद कमल के समान कोमल शरीर वाली हे माँ सरस्वती, आप मेरी मूर्खता को दूर करके मेरी बुद्धि का विकास करो। वीणा पुस्तक धारिणी माने हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप ललित माने विभिन्न प्रकार की या ललित कलामयी माने कलाओं से युक्त हो। हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त हो और विवाहमयी माने विभिन्न प्रकार के ज्ञान माने ज्ञान से भी युक्त हो और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से युक्त हो। हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं से युक्त हो और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से युक्त हो। ऐ माने अरे, कुंठा माने ईर्ष्या रूपी विष माने जहर को, हारिणी माने दूर करने वाली। अरे ईर्ष्या रूपी जहर को दूर करने वाली माँ सरस्वती, तब माने तुम्हारे, कमले माने कमल रूपी पद माने चरणों में, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में। ने माने हमारी, मति माने मति आसन माने स्थित रहे, आपके कमल रूपी चरणों में हमारी बुद्धि हमेशा के लिए स्थित रहे। अरे ईर्ष्या रूपी जहर को दूर करने वाली माँ सरस्वती, आपके कमल रूपी चरणों में हमारी बुद्धि हमेशा के लिए स्थित रहे या हमेशा स्थित रहे। हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से युक्त हो।
अरे ईर्ष्या रूपी जहर को दूर करने वाली माँ सरस्वती, आपके कमल रूपी चरणों में हमारी जो बुद्धि है वो हमेशा स्थित रहे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला पाठ जय सुर भारती पूरा। एक बार हम इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। हे भगवती सर्वार्थी, तुम्हारी जय हो, हम सभी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो, हम सभी तुम्हारी शरण में जाते हैं। देवताओं और मुनियों के द्वारा चरण वंदना की जाने वाली हे माँ सरस्वती, तुम शरण देने वाली हो और तीनों लोकों में धन्य हो। मंद मंद मुस्कान से युक्त और विभिन्न प्रकार के सुंदर आभूषणों से युक्त हे माँ सरस्वती, आप नौ रसों में मधुर रसों रस से युक्त हो और कविता रूपी मुख से क्या होने वाली हो, व्यक्त होने वाली हो या स्पष्ट होने वाली हो। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद हे माँ सरस्वती, आप मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ या मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सफेद कमल के समान कोमल शरीर वाली हे माँ सरस्वती, आप मेरी मूर्खता को दूर करके मेरी बुद्धि का विकास करो। हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली माँ सरस्वती, आप ललित कलाओं और विभिन्न प्रकार के ज्ञान से युक्त हो। अरे ईर्ष्या रूपी जहर को दूर करने वाली माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में हमेशा के लिए स्थित रहे। तो दोस्तों आप सभी इस पाठ का स्वाध्याय करें और यदि आपसे किसी भी शब्द का या किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, निश्चित ही आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। और आप सभी अपने मित्रों के साथ हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।